रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के सीधे प्रसारण से जुड़ेंगे दुनिया भर के 5 लाख मंदिर। मंदिरों में होगी आरती। अयोध्या में कनेक्टिविटी को किया जा रहा है बेहतर। गुप्तार घाट से राजघाट तक बनेगा 4 लेन का लक्ष्मण पथ। महादेव की नगरी काशी में देव दीपावली की तैयारियां शुरू। दीपावली के 15 दिन बाद मनाया जाता है उत्सव। शीतकाल के लिए केदारनाथ के कपाट बंद। ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान होंगे। अयोध्या जी में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का दुनिया भर के 5 लाख से ज्यादा मंदिरों में सीधा प्रसारण किया जाएगा। प्रसारण के दौरान इन मंदिरों में भी आरती की विशेष व्यवस्था की जाएगी। जनवरी में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से राम भक्तों को जोड़ने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग की तैयारी की जा रही है। इसके तहत करीब 7 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य है। वहीं श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में प्रवेश करने जा रहा है। अयोध्या की कनेक्टिविटी को भी लगातार अपग्रेड किया जा रहा है और इसी कड़ी में जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ के बाद अब लक्ष्मण पथ का निर्माण किया जाएगा। इस नए और वैकल्पिक मार्ग की कार्य योजना तैयार कर ली गई है, जिसे गुप्तार घाट से राजघाट तक बनाया जाना है और ये 4 लेन का होगा। करीब 200 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाले प्रस्तावित मार्ग का काम सरकार से मंजूरी मिलने के बाद शुरू हो जाएगा। काशी में देव दीपावली की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। देव दीपावली कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है, अर्थात दीपावली से ठीक 15 दिन बाद ये पर्व गंगा के किनारे मनाया जाता है। पौराणिक कथा के मुताबिक त्रिपुरासुर नामक राक्षस के अंत के बाद देवता प्रसन्न हुए और भगवान शिव का आभार व्यक्त करने के लिए उनकी नगरी काशी पहुँचे थे। भैया दूज के पावन पर्व पर केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस दौरान बाबा केदार के जयकारों से धाम गूंज उठा। इसी के साथ बाबा केदार के स्वयंभू लिंग को पुष्प, अक्षत, पूजन सामग्री और भस्म से ढक दिया गया। बाबा केदारनाथ अब 17 तारीख से अगले 6 माह की शीतकालीन पूजा अर्चना के लिए उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। महादेव की नगरी काशी के बाबा विश्वनाथ धाम में धूमधाम से 5 दिवसीय अन्नकूट महोत्सव संपन्न हो गया। मंगलवार को आखिरी दिन मां अन्नपूर्णा को 56 प्रकार के भोग लगाए गए। धनतेरस से शुरू हुए इस महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु विश्वनाथ धाम पहुंचे। 2 वर्ष पूर्व कनाडा से लाए गए मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा का भक्तों ने दर्शन कर विधि विधान से पूजन किया। छठ महापर्व पर रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में छठ के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर देश के प्रमुख शहरों से पूर्व मध्य रेल के लिए 32 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। सूर्य उपासना का 4 दिवसीय महापर्व छठ 17 तारीख से शुरू हो रहा है।